मुझे खुशी है कि आपको माइक मिली है ना, क्योंकि आप निखिल से सवाल नहीं कर पाए थे मेरे ख्याल से। चलिए मुझसे कर लीजिए। बस छोटी सी तीन क्वेश्चन है मेरे पास। तीन छोटे छोटे से तो तीन नहीं एक। हाँ ठीक है, एक ही में कर देता हूँ। हाँ सर, किसी प्रत्येक न्यूज चैनल का न्यूज एंकर बनने पर वो चैनल ओनर्स का इस न्यूज एंकर की न्यूज जो डिलीवरी होता है उस पर कितना असर होता है, कितना प्रभाव होता है? जैसे कि कभी कोई कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो उसको कैसे डील किया जाता है, कि आप कुछ और बोलना चाहते हैं तो फिर कुछ और स्क्रिप्ट टाइप का है। दूसरा है कि अपने सरकारी न्यूज चैनल जो है जैसे दूरदर्शन, उनकी इतनी दुर्दशा क्यों है? दूसरी ये तीसरा क्वेश्चन है कि आपके साथी पत्रकार सीधा सीधे अर्णब गोस्वामी के बारे में बोलते हैं, हर किसी के पास कुछ खूबियां होती हैं, तो फिर आपको अर्णब गोस्वामी जी में क्या खूबियां नजर आती है या फिर क्या? देखिए मैं कोई बॉर्नविटा कॉम्प्लेक्स में नहीं आया हूँ, ठीक है, कॉम्पिटिशन में नहीं आया हूँ कि उनकी खूबियाँ बताऊँगा, ठीक है, ये इसको रहने दीजिए, उनमें जब खूबियाँ नजर आ जाएंगी तो वो भी बता देंगे आपको। पर आपका पहला सवाल उसको ठीक से फ्रेम नहीं हुआ, पर वो महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि देखिए टेलीविज़न में एक प्रोसेस के तहत रिपोर्टिंग को ख़त्म किया गया, ठीक। जब 150 रिपोर्टर होते हैं तो कब किसके हाथ कौन सी सूचना लग जाएगी किसी को पता नहीं होता था, तो कुछ खबरें दब भी जाती थी यहाँ तो वहाँ से निकल आती थी, कोई इधर से कोई उधर से खबरें टहलती थी लोकतंत्र में। लेकिन रिपोर्टर को हटा दिया गया और न्यूज रूम में एक स्टार सिस्टम लाया गया जिसका बेनिफिशियरी मैं भी हूं। तो जब ये 4-5 हो गए तो पावर के लिए इनको कंट्रोल करना आसान हो गया, मेहनत कम हो गई ना, मेहनत कम हो गई, इनकी इनसिक्योरिटी बढ़ गई कि यहां से हटेंगे तो कहां जाएंगे। तो उस कुर्सी को बचाने के लिए वो लगातार पावर से बैलेंस करते हैं। तो जैसे ही लगेगा कि कोई नेता 20 साल तक नहीं हारने वाला है, उस हफ्ते आप उस एंकर की देखेंगे जुबान बदल जाएगा। जैसे ही लगेगा कि ये नेता लगता है कि अगले साल हार सकता है तो उसकी जुबान बदलने लगती है, कि वो दिन रात अपना एक बैलेंस खोज रहा है और वो खुद ही ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये आसान है। तो यही हुआ है कि पिछले 10 साल में टीवी चैनलों से रिपोर्टिंग खत्म कर दी गई है। अब किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, सबके पास परसेप्शन है, जो बहुत आसान है करना। एक टाई और एक कोट की ज़रूरत है और रात में 1 घंटा समय की ज़रूरत है। आप इस मुल्क को बिना कुछ किए बर्बाद कर सकते हैं। जो एक नाम 350 किलोमीटर से मुझे यहाँ खींच के लाया है। 350 किलोमीटर से? जी। थैंक यू। तो मेरा सवाल ये है रवीश जी, कुछ लोग ऐसा मेरे हिसाब से, मैं भी जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। माइक में बोलिए जरा, माइक पास। तो मेरा सवाल यह है रवि जी, कहा हम वो लोगों के गेम में घूम तो नहीं जा रहे हैं जो लोग गांधी को बनिया के कम्युनिटी में और अंबेडकर ने तो सबको राइट दिए हैं, अंबेडकर को सिर्फ दलित तक रिस्ट्रिक्ट करने में, गांधी को बनिया तक रिस्ट्रिक्ट करने में, सरदार जी को पटेलों तक रिस्ट्रिक्ट करने में, जब उनके गेम के एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो नहीं हो रहे हम ऐसे गुमशुदा तो नहीं हो रहे उनके गेम में? इसका जवाब यही है कि आप गांधी को भी अपना बना लीजिए, अंबेडकर को भी अपना बना लीजिए और पटेल को भी अपना बना लीजिए। मैं वही कह रहा हूँ। तो हम सारा सब इतिहास भी अगर वही उन्हीं को तय करने दीजिएगा, वो वर्तमान तो संभाल नहीं पा रहे, इतिहास भी बदल देंगे। कमाल है मतलब। अरे पढ़ने बैठेंगे ना इतिहास, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ तो 5 साल में कोर्स पूरा नहीं होता है। मूर्ति बना देने से आप इतिहास के विद्यार्थी नहीं हो जाते। मूर्ति बनाना एक तरह से वो गोल्डन गाइड है, कुंजी बनाना है, वो धोखा देना। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी इतिहास की क्लास में जाते हैं तो कुंजी पढ़ के पास करते हैं, तो नेता जब पब्लिक में आता है तो उसे लगता है, उसे बताना पड़ता है कि वो इतिहास का भी विद्यार्थी है, तो वो कुंजी के रूप में मूर्ति बनवा देता है, कहता है कि हम जयंती सुबह से व्हाट्सएप पे कर देता है, ये महापुरुषों को प्रणाम, और काम किसी भी महापुरुष से उसके मिलते हुए नहीं नजर आते। आप बताइए किसके काम को किस महापुरुष से मिलते हैं नजर आते हैं, वो तो किसी तो ये बात है। शुक्रिया रवि जी, थैंक यू। और एक और बात है कि हर सवाल का जवाब मेरे पास नहीं हो सकता है जी। The lady here, third हम कोई रिजर्व बैंक नहीं है कि 8 महीने बाद झूठ बोलेंगे। किधर? यस मैम। रवि जी,
रवि जी, मेरा क्वेश्चन है कि आप कहते हैं कि टीवी मत देखें, और जो सोशल मीडिया पे हमने देखा है फेक न्यूज़, जैसा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भी आप जिक्र करते हैं, तो मेरा सवाल यह है कि हम जानकारी कैसे हासिल करें और एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हो, जैसे हम लोग यहाँ। ये बड़ा संघर्ष है, बता रहे थे ना, सूचना का अधिकार के लिए लड़िए। अब जो कहा, आपका जो टेलीविजन है, आपको मीडिया के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जो पत्रकार अच्छा काम कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं, मैं तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी कर रहे हैं, आपको उस पर नजर रखनी पड़ेगी कि क्या इसे सरकार आसानी से इसकी दुकान बंद कर सकती है। आपको किसी भी सरकार का सबसे अच्छा मूल्यांकन पता है क्या है? पैमाना, पहला पैमाना क्या होना चाहिए कि उसके दौर में मीडिया आजाद था या गुलाम था। अगर गुलाम था तो उसका कोई भी काम अच्छा नहीं, अगर मीडिया आजाद था तो उसके बहुत से काम अच्छे हो सकते हैं। सर, मेरा एक सवाल है, नई पीढ़ी के सहाफियों के लिए, नई पीढ़ी के जर्नलिस्टों के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? जीवन को थोड़ा क्लीन रखिए, साफ सुथरा, महिलाओं का थोड़ा सम्मान कीजिए, दहेज मत लीजिए, यह सबसे आसान काम है। अगर आप राष्ट्र में कोई योगदान करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कमजोर हैं, तो सिंपल सा तरीका है, माँ बाप के सामने इतना कर दीजिए कि थैंक यू, दहेज लेके शादी नहीं करेंगे, बस हो गया। बाकी जीवन भर कुछ ना भी करें तो भी आप सोसाइटी को बहुत कुछ दे के चले जाएंगे, इतना तो कर लीजिए। वो नहीं करेंगे तो फिर अंत में पहुँच के लोकप्रिय हो जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। कुकर के ऐड के लायक लोकप्रिय हो जाएंगे, बहुत सारे लोग वो वाटर प्योरीफायर के भी ऐड देते हैं MP बनने के बाद, वो हो जाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन बात का असर नहीं होगा सर, वो लिख नहीं पाएंगे, वो फन, वो जादू, वो सब गायब हो जाएगा। रवीश जी, मेरे बहुत दो सिंपल क्वेश्चंस है। एक तो, आपको क्या ये लग रहा है ये जो क्राइसिस है, ये महज 3 साल का क्राइसिस नहीं है? 3 साल का नहीं है, कभी भी नहीं। कहीं नहीं, ये तो नहीं है कि प्रिंसिपल न्यूट्रलिटी जो मीडिया ने शायद फॉलो, मैंने कहा ना कि मैं 2010 से टीवी देखना बंद कर दिया था, वो 2014 के 4 साल पहले की बात है। तो प्रिंसिपल न्यूट्रलिटी का एब्सेंस क्या एक वजह है जो क्राइसिस है आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में? देखिए, मेरी नजर में क्राइसिस है, पर वो तो सेलिब्रेट कर रहे हैं ना। क्राइसिस आपके लिए है, मीडिया के लिए क्राइसिस नहीं है। मीडिया को अब काम नहीं करना पड़ रहा है, ऐड ही ऐड मिल रहा है सरकार के यहां से, सबके यहां से। जिसके यहां खबर के नाम पे कुछ भी नहीं, उसको सरकार सबसे ज्यादा ऐड देती है। जिसके यहां सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा, उसी के यहां सबसे ज्यादा सरकार का ऐड है। और आप देख रहे हैं, आपको फर्क नहीं पता चलता। आप वो ऐड जो है सरकार का, वो आपकी जेब से बन के जाता है। तो एक अच्छे मीडिया के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। वो लोग मौज कर रहे हैं सर, उनको तो कोर्ट साफ करने के 250 सर्फ भी खर्च नहीं होते, कि वो गंदा नहीं होता AC में, इतना टेम्परेचर होता है कि आप उस कोर्ट को 4-4 महीने पहन के एंकरिंग कर सकते हैं। बाल ही तो बढ़ाने हैं, बाल कटाने हैं, बाल घटाने हैं, यही तो करना है, और क्या करना है? फिर रात में आके आपका खून बढ़ाना है, BP बढ़ाना है, यही तो करना है। सर, दूसरा सवाल यह, राहुल पंडित ने एक आर्टिकल लिखा, इनसाइड हेट मोदी इंडस्ट्री, इस पे आपका क्या विचार? ऐसा तो कोई उद्योग आपको नजर आता है तो बता दीजिए, हम वहीं चले जाते हैं। देखिए, इसमें एक समस्या है, ठीक है कि जरूर एक नेता जब होता है तो उसके दो पक्ष होते हैं। ये बहुत चालाक विवरण है कि कोई हेट मोदी इंडस्ट्री है। असल में इंडस्ट्री है, मगर वो प्रो मोदी इंडस्ट्री है। आपको क्या लगता है कि जो रिसोर्स IT सेल वालों के पास है, उनके सपोर्टर के पास है, वो दूसरों के पास भी है क्या? उस आर्टिकल में ये भी लिखा था कि 90% मीडिया जो है प्रो मोदी इंडस्ट्री है, लिखा था उसमें? नहीं ना। तो 90% का मुकाबला 1% के विचलन से तो आप नहीं कर सकते। मगर उनकी बात इस हद तक ठीक है कि मीडिया का जो बंटवारा हो गया है, ऑब्जेक्टिविटी की जो हत्या हुई है, वो नुकसानदेह है, और उसमें बड़ी भूमिका इस वक्त, पहली भूमिका तो जिनको वो कह रहे हैं कि हेट मोदी इंडस्ट्री है, क्योंकि 2014 से पहले उनकी थी, लेकिन इस वक्त वो प्रो मोदी इंडस्ट्री की है, हेट ऑपोजिशन इंडस्ट्री की है, हेट क्वेश्चन इंडस्ट्री की है, हेट फ्री स्पीच इंडस्ट्री की है। ये सब बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं। There's one gentleman whose hand has been up जो for the last पावर half में बैठा है, उसे आप विक्टिम के रूप में पेश कर रहे हैं, कमाल है साहब। जो पावरलेस है वो क्या है?
अंग्रेजी वैसे कम जानता हूं, जितना समझा उसी के आधार पर बताया। मैं हिंदी में ज्यादा नहीं बोल सकता, मगर अंग्रेजी सर, में प्लीज अंग्रेजी में। यस सर। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया व्हेन 10 मिलियन और मोर अनएम्प्लॉयड आर कमिंग इनटू द मार्केट, जॉब मार्केट एवरी ईयर, स्पेशली विथ लैंड बिल मेकिंग, लैंड एक्विजिशन वेरी डिफिकल्ट एंड ऑल्सो गवर्नमेंट पुटिंग सो मेनी रेस्ट्रिक्शंस। डू यू हैव एनी solutions for this? And also Mr. Pai, if he is still in the audience, I would like him to respond because he is a public policy expert. Thank you. Sir, iska jawab jab main vote mangne mein nahi hai. हाँ, नितिन गडकरी के मंत्रालय को दिक्कत हो सकती है कि उनके कुछ रोड प्रोजेक्ट्स इसकी वजह से अटके हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो फैक्ट्रियां हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहे हैं, उसके लिए लैंड एक्विजिशन जिम्मेदार नहीं है। और जब आप, अब तो पता चल रहा है कि 27-28 इंडस्ट्रियलिस्ट को 10 लाख 15 लाख करोड़ का बैंक का कर्जा उन पर लदा हुआ है, तो इसका मतलब पैसा है आपके पास कि आप किसानों को उनके वाजिब दाम दे सकें, वो तो देना पड़ेगा। और ये लैंड एक्विजिशन की समस्या इसीलिए है कि आप वाजिब दाम नहीं देना चाहते, उनकी मर्जी को आप शामिल नहीं करना चाहते। अगर आप उनकी मर्जी को शामिल कर लेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे हम कब तक भागेंगे? आप जो निखिल के भाषण का सार है वो यही है कि हम और आप कम से कम सहमति के रास्ते की तरफ तो बढ़े हैं, उससे पहले असहमतियों का सम्मान तो करें, डिसएग्रीमेंट का सम्मान तो करें, डिसेंट को पहचाने तो, वरना हम नहीं कर पाएंगे। ये लैंड एक्विजिशन की वजह से नौकरियां नहीं हैं, बहुत सारे और इकोनॉमिक डिसीजंस हैं। मुझे लगता है सर कि जितना मैंने 2014 के बाद आर्थिक चीज़ों को गहराई से देखा है, मुझे लगता है, मैं उसका ऑथराइज्ड नहीं हूँ, मुझे लगता है कि हम जिस व्यवस्था के रास्ते पे चल रहे हैं उसमें अब और संभावनाएं नहीं बची हैं। आप पूछेंगे कि दूसरी संभावनाएं क्या हैं, वो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, लेकिन ये मुझे नज़र में आ रहा है कि उसमें संभावनाएं नहीं हैं। आप वो फ्लाईओवर के बाद मोनोरेल, मोनोरेल के बाद मेट्रो, मेट्रो के बाद बुलेट करते रह जाइए, लेकिन संभावनाएँ जो रोज़गार की है मुझे नज़र नहीं आती हैं। सर, ये तब्दीली नहीं, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। नागरिक अधिकार क्यों कहा गया है? वो सिर्फ आप अर्जी देकर सरकार से ही ना लें, बल्कि आप अखबार और मीडिया से भी डिमांड करें कि आप जो सूचना दे रहे हैं वो सही हो। फेक न्यूज देखिए, altnews.in, ये बूम लाइव आए या SM हुक्स लेयर आए, ये सब क्या है? देखिए, इनको देख के भी आपको चिंता करनी चाहिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया का काम क्या है। वो सही सूचनाओं का पता करे, लेकिन वो गलत सूचना छापने में लगा हुआ है, और सही सूचना का वो पता करने का काम जिसमें रिस्क ज़्यादा है उसने आउटसोर्स कर दिया कि भाई प्रतीक तुम देखो, एक्सपोज कर सकते हो तो कर देना, नहीं तो हमें कोई चिंता नहीं, हम तो जो मिला छाप देते हैं, तो वो ठीक नहीं है। तो सच बोलने की, सच पता करने की, ये कोई आसान चीज़ नहीं है सर कि आप सुबह उठेंगे और आपको सपने में आ जाएगा। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको, इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, और सारी कीमत आप मेरे ही ऊपर डाल देंगे तब तो फिर तो चुटकी में गायब ही कर देंगे मुझे।